सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। रूस यूक्रेन में लड़ाई के बीच रूस के तेवर में कोई नरमी नहीं आई है। उसकी सेना यूक्रेन पर लगातार हमले कर रही है। जैसे जैसे यह लड़ाई आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे रूस घातक हथियारों का इस्तेमाल बढ़ाने लगा है। पिछले हफ्ते उसने सुपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने यूक्रेन पर केमिकल अटैक की आशंका जताई है। आगे क्या होगा इसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन यह जरूर पता है कि भारत सहित पूरी दुनिया पर इस लड़ाई का असर पड़ रहा है। सवाल है कि क्या लड़ाई लंबे समय तक जारी रहती है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी में चली जाएगी। यूक्रेन क्राइसिस शुरू होने के कुछ ही दिन बाद से इसका असर दिखने लगा। कमोडिटी की कीमतें आसमान में पहुंच गईं। क्रूड का प्राइस 8 साल के सबसे हाई लेवल पर पहुंच गया। चूंकि पेट्रोलियम का सीधा असर इन्फ्लेशन पर पड़ता है, जिससे कई देशों में चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं। श्रीलंका इसका एक उदाहरण है। पहले से बदहाल चल रही श्रीलंका की इकोनॉमी को यूक्रेन क्राइसिस ने दिवालिया होने की कगार पर पहुंचा दिया है। जिन देशों की इकोनॉमी कमज़ोर है, उन पर इस लड़ाई का ज़्यादा असर दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि यूक्रेन क्राइसिस और रूस पर लगे प्रतिबंधों का ग्लोबल इकोनॉमी पर गंभीर असर पड़ेगा। उसने कहा है कि अभी स्थितियां अनिश्चित दिख रही हैं। यह लड़ाई कब तक चलेगी यह पता भी नहीं, लेकिन इसका गंभीर आर्थिक असर दिखना शुरू हो गया है। बीते दिनों में फूड और एनर्जी की कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं। सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है। देशों के केंद्रीय बैंकों के सामने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का चैलेंज है। IMF ने कहा है कि दुनिया भर के लोगों को बढ़ती कीमतों ने झटका दिया है। खासकर गरीब लोगों पर इसका ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि उनके कुल खर्च में फ्यूल की अपेक्षाकृत ज़्यादा हिस्सेदारी है। IMF ने कहा है कि अगर लड़ाई जल्द नहीं रुकती है तो इसके आर्थिक नतीजे खतरनाक होंगे और इसका असर दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट पर भी पड़ेगा। जहां तक दुनिया के मंदी के चले जाने का सवाल है, तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल इसकी आशंका कम है। इसकी वजह यह है कि रूस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों का सबसे ज़्यादा असर रूस पर पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि अमेरिका खुद ऑयल और गैस का बड़ा एक्सपोर्टर है। उधर यूरोपीय देशों ने रूस से ऑयल और गैस का इंपोर्ट जारी रखा है। अमेरिका और यूरोपीय देश भले ही यूक्रेन में अपने सैनिक नहीं भेज रहे हैं, लेकिन वे यूक्रेन को आर्थिक मदद देने से पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए यूक्रेन को हुए नुकसान की भरपाई हो जाएगी। कमोडिटी की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। इसका असर अलग अलग देशों पर अलग अलग तरह से पड़ रहा है। आम तौर पर मंदी से पहले कमोडिटी की कीमतों में गिरावट आती है, इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। ऐसा देखा गया है कि केंद्रीय बैंकों की बहुत सख्त पॉलिसीज मंदी की स्थिति पैदा करती हैं। इस बार केंद्रीय बैंकों ने अब अपनी पॉलिसीज में बदलाव करना शुरू किया है। अब भी भारत सहित कई देशों में इंटरेस्ट रेट अपने निचले स्तर के करीब हैं। हाँ, सप्लाई को लेकर प्रॉब्लम्स हैं। ब्लैक सी के रास्ते ट्रांसपोर्टेशन बंद है, इससे दूसरे बंदरगाहों पर जाम की स्थिति पैदा हो गई है। अगर लड़ाई जल्द खत्म नहीं होती है तो ये प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। इसलिए ये लड़ाई हमारी प्रॉब्लम बढ़ा सकती है, लेकिन दुनिया के मंदी में जाने का खतरा फिलहाल नहीं दिख रहा है। ये रिपोर्ट मार्केट टाइम्स TV।